नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गुरुवार को केंद्र सरकार को बड़ा झटका देते हुए दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर लगा बैन हटाने से मना कर दिया है। साथ ही एनजीटी ने केंद्र की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें इस बैन में बदलाव करने की मांग की गई थी। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं गो न्यूज़ संवाददाता सिद्धार्थ पांडे। 10 साल से पुरानी जो गाड़ियां हैं डीजल गाड़ियां दिल्ली में और एनसीआर में, उनको अब हटाया जाएगा। एनजीटी ने अब अपना फाइनल जजमेंट दे दिया है। दरअसल केंद्र जो है इसके अपील में आया था, यहां पर उनके हिसाब से डीजल गाड़ी की पोल्यूशन देखनी चाहिए और उनकी एज नहीं देखनी चाहिए, लेकिन आज एनजीटी ने इस बात को ठुकरा दिया है और कहा है कि 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियां जो है एनसीआर से हटाई जाएंगी। हमारे साथ नरेंद्र पाल सिंह हैं, दिल्ली दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के काउंसिल। नरेंद्र जी, आपसे अगर पूछें कितना महत्वपूर्ण है ये ऑर्डर? ये बहुत बड़ा लैंडमार्क ऑर्डर है इन एमएस के ऊपर। इसमें नंबर पॉइंट, डीजल व्हीकल्स दिल्ली में 10 साल से ऊपर नहीं चलेंगे, क्योंकि एक डीजल व्हीकल जो है अप्रॉक्सीमेटली 24 पेट्रोल व्हीकल्स और 40 सीएनजी व्हीकल्स के बराबर का पोल्यूशन करता है, एवं जो डीजल है वो कार्सिनोजेनिक भी है, इस वजह से वो कैंसर होता है। इसलिए जो पहले इनका आदेश था दिसंबर का, वो एज इट इज बरकरार रहेगा, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं रहेगी। वो जिस तरह से लागू करा जा रहा था वो लागू रहेगा अभी, और अगर केंद्र सरकार इसको चैलेंज करना चाहती है तो सुप्रीम कोर्ट में उनको गुहार लगानी पड़ेगी। मतलब केंद्र जो यहाँ पर आया था उनकी ये दलील थी कि डीजल गाड़ी चाहे वो पुरानी हो लेकिन अगर वेल मेंटेन्ड हो तो पोल्यूशन कम होता है, लेकिन एनजीटी ने इन चीज़ों को नहीं देखा। उन्होंने पूरा ओवरऑल पूरा व्यू लिया है, सिर्फ एक एस्पेक्ट को नहीं कंसिडर करा। पूरा व्यू लेने के बाद उन्होंने बहुत डिटेल ऑर्डर पास करा है, जजमेंट की कॉपी अभी आ जाएगी, अभी प्रोनाउंस करा उन्होंने कोर्ट में, और उसके हिसाब से डीजल गाड़ियाँ जैसे पहले बरकरार रखा था वही ऑर्डर बरकरार रहे। तो यानी क्या होगा, मतलब आज के बाद जो है अगर 10 साल वाली गाड़ियां जो है वही चलेंगी, उसके अलावा नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश को उन्होंने मद्देनजर रखा, जो उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी एमएस में और अपील्स में ऑर्डर करे हैं, उन सबको कंसिडर करते हुए ये फाइनल ऑर्डर एंड दिल्ली एंड एनसीआर का। हाँ जी बिल्कुल, अभी फाइनल जजमेंट तो वर्तमान में आनी है, ये एमएस के ऊपर है।